नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। जी हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ। बिहार कांग्रेस को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जिस तरह से राजद के सामने एक तरह से आत्मसमर्पण ही कहिए कि एक सीट कम से कम 2019 में वो जीती पार्टी थी और आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, एक भी जीत नहीं हुई थी, और वो पार्टी 26 से और आप जो है 9 सीट से चुनाव लड़े। तो क्या अखिलेश प्रसाद सिंह ने सिर्फ अपनी स्कोरिंग की और केंद्रीय नेतृत्व इसको देखता रहा, या जानबूझकर के बिहार में मैंने सुपर या सुपरमेसी जो है लालू प्रसाद यादव की चलने दी? जी देखिए, बिहार में जो हुआ और कांग्रेस के साथ जो हुआ है खास तौर से, तो एक पहलू नहीं है, उसके कई पहलू हैं। आप देखिएगा कि जिस तरीके से पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री हुई और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, उस समय देखे हुईगा कि एक बात आई कि अखिलेश सिंह को पता तक नहीं था दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हो गई, तमाम बातें हो गई, ठीक है ना। अखिलेश सिंह नाराज थे, चाह रहे थे कि नहीं भाई पप्पू यादव की एंट्री नहीं है, लगा ऐसा कि कहीं अलग थलग पड़ रहे हैं अखिलेश सिंह, पर स्वाभाविक था पप्पू यादव की ज्वाइनिंग तक तो लग ही रहे थे, क्योंकि अगर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उनकी सहमति और उनकी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि कौन कहाँ शामिल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो खैर, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व का था। पप्पू यादव के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अजय निषाद के बारे में जानकारी थी उनको। पप्पू यादव की एंट्री के बाद जो अचानक जो फिर परिदृश्य तेजी से बदला, और आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा करते जा रहे थे, सिंबल बांटते जा रहे थे, और लग रहा था कि कहीं कुछ नहीं होगा, तो ये लालू जी का कोई नया रवैया नहीं था। पहले बार भी देखिएगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार तक तय कर दिया करते थे, ऐसी बातें हो चुकी है बिहार में। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ, आप देखिए, मात्र 9 सीटें दी गई कांग्रेस को, उसमें जैसे ही पूर्णिया सीट नहीं मिली, उन्होंने तो पहले ही बीमा भारती को सिंबल दे दिया था, तमाम बातें हो गई थी। तो अब यकीन मानिए कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो 9 सीटों का मामला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं लगातार संपर्क में अखिलेश सिंह रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, ठीक है ना, और फिर उनके माध्यम से ही तमाम बातें तय हुई है और बनी है, और फिर राहुल जी तक जाके जो बातें हैं, क्योंकि राहुल जी आंख बंद कर जो लालू जी पर विश्वास कर लेना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देख लीजिए कि अच्छा, यहाँ एक बात और रही कि सब लोग, चाहे वो अखिलेश सिंह हो या पार्टी के और भी जो कुछ कद्दावर बिहार से आने वाले नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जो निहित स्वार्थ होता है ना, क्योंकि अखिलेश सिंह थोड़ा सभा में खुद को तब सेट हो चुके हैं आराम से, तो अगर सेट हुए हैं तो इसमें भी यकीन मानिए कि बिना लालू जी के पहली सहमति। बार भी सीटिंग के बारे में तो लालू यादव जी ने बता ही दिया था, वो मंच से बता दिया था कि कैसे इनको सीट किया गया था। हाँ, तो फिर लालू जी के पुराने सिपाही सलार रहे हैं, विश्वसनीय साथी रहे हैं, लालू जी के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं, उस दौर में भूमिहार सम्मेलन वगैरह करवाया, तमाम बातें हैं, तो राजनीति में तो लेन देन चलते रहता है ना किसी रूप में, कहाँ भी रहिए कहीं भी रहिए। अब इनको अखिलेश सिंह को ध्यान यह था कि भाई कोई सीट मिले ना मिले, वो सीट जरूर मिल जाए जहां से अपने पुत्र को चाह रहे हैं कि वहां से उन स्थापित करें, टिकट मिले। अब देखिए, उम्मीदवारी की घोषणा होती है तो क्या बातें होती है। आप एक सीट देख लीजिए, भागलपुर की जो सीट तो आई, तो वहां देखिए, क्या इसमें कोई ऐसी बात थी कि अगर पप्पू यादव को पूर्णिया सीट मिल जाती और अगर वो उसमें कांग्रेस में अगर वो थोड़ा सा वर्चस्ववादी हो जाते तो अखिलेश जी को उससे दिक्कत हो जाती? हाँ, चूंकि देखिए पप्पू यादव की जो राजनीति में जो छवि है, तो ये तो आक्रामकता है ही ना उनमें, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भी देख लीजिए, और फिर राजनीति में भी जिस तरीके से वो आक्रामक होते हैं, अब किसी पार्टी माने खुद अपने पार्टी के सहारे, कोई विधायक नहीं है, लगातार चुनाव हारते रहे हैं, पत्नी भले कांग्रेस में सांसद भी रही, अभी राज्यसभा में भी है, लेकिन विभिन्न मौकों पर जो पटना वगैरह में भी कई मामले, बाढ़ के समय में या विभिन्न समय में जो बढ़ चढ़ के काम करना, सब कुछ करना, उस हिसाब से तो अखिलेश सिंह की राजनीति नहीं होती है ना, या कांग्रेस के दूसरे नेताओं की, तो उस हिसाब से है तो आक्रामक, अगर वो जीत जाते, उनको टिकट मिल जाता और खुदा न खास्ते अगर वो जीत करके सामने आ जाते,
तो फिर वो ऐसा नहीं है कि यसमैन की तरह बात नहीं करते, कि वो अखिलेश सिंह कुछ कह रहे हैं और सुना रहे हैं और अध्यक्ष है तो सुन ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर बात तो दूसरे तरह करने लगते, क्योंकि ज्वाइन भी हुआ था तो उसका आप संदेश देखिएगा, तो किसी बिहार के नेता का आभार नहीं जताते हैं कांग्रेस का। वो बोल रहे थे कि हमारे भाई राहुल गांधी या बहन प्रियंका गांधी मेरा दादा साहब चहेता क्या क्या है, ठीक है ना। तो इस संकेत तो मिल ही रहा था, नहीं तो ऐसा नहीं होता। हाँ तो आप देखिए ना, औरंगाबाद जैसी परंपरागत सीट कहाँ चली गई, सासाराम जैसी सीट कहाँ चली गई, भाई जगजीवन राम की सीट मीरा कुमार वहां से जीत रही थी। उस काल में मीरा कुमार खुद ने, मीरा कुमार ने खुद से चुनाव, खुद को चुनाव से अलग करने का वादा किया, इसलिए तो निखिल उनको भी कुमार चाहत थी। सोशल मीडिया में अपनी बात कहते कहते थक गए, उनकी बात नहीं सुनी गई निखिल कुमार की। अब वही हम कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ क्या क्या कहा जाता था और परंपरागत सीट रही है, और निखिल कुमार अगर वहां से चुनाव लड़ते या लड़ना चाह रहे थे तो निखिल कुमार से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है या। और आप बायोडाटा के मामले में देखिए ना भाई, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से देख करके, अरे पिताजी सांसद रहे, माताजी उनकी राजनीति में सांसद रही, पत्नी सांसद रही, खुद सांसद रहे, खुद राज्यपाल रहे, खुद दिल्ली के पुलिस के कमिश्नर क्या, डिप्टी कमिश्नर क्या क्या थे, तो तमाम उस हिसाब से भी चेहरा है। लेकिन कुल मिलाकर तो आज के तारीख में थमा। और एक बात और गौर करिए कि लालू जी ने 9 सीट तो दी, तो उसको भी 9 सीट आपने मानी। 9 सीट अगर दी तो झारखंड में अगर 1 सीट मिलने वाली थी राजद को, जो 17 सीट, तो उन्होंने ले लिया, झटक लिया पलामू सीट भी, 2 सीट इधर, एक के बदले एक, तो उधर माइनस कर दी, तो 8 सीट मिला ना एक तरह से उनको, बिहार झारखंड मिला करके, क्योंकि महागठबंधन तो दोनों जगह है। तो यह जो बातें हो गई ना, तो उसमें इस तरीके से तो पूरा समर्पण है। और चूंकि जो स्थिति बन रही है, और आज की तारीख में देखिए पप्पू यादव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जो मामला है और उधर वो तो हम, कन्हैया कुमार को भी जो लेफ्ट से आए थे कांग्रेस में कि कुछ यहाँ पर कुछ किया जाएगा, शायद हो सके कि बेहतर के लिए ही आए होंगे, तो उनका भी नाम कहीं से कोई चर्चा नहीं है कि कोई प्रत्याशी बनाया जाएगा उनको। और उनकी सीट जो पूर्व में थी बेगूसराय वाली, तो अब तो लग नहीं रहा है। बेगूसराय वाली, देखिए बेगूसराय की सीट उनकी जब थी तो सीपीआई से थी, तो स्वाभाविक रूप से अगर यहाँ गठबंधन बन रहा हाँ, है अवधेश राय को सीट मिल गई वो। तो उस रूप में सीपीआई का दावा ही बनता था। लेकिन बावजूद इसके अगर कांग्रेस चाहती तो तालमेल करके बात करती कि भैया दे दो हमको बेगूसराय सीट, दे दीजिए कन्हैया को, हम लड़ाएंगे, हमारा चेहरा है। लेकिन लालू जी ने तो कांग्रेस से बातचीत से पहले ही तय कर लिया कि 1 सीट सीपीआई को दे देते हैं, बेगूसराय ले लीजिए भैया, सीटीएम वाले खगड़िया ले लीजिए, माले वाले 3 सीट लीजिए, उधर चले जाइए। तो वो तो पहले तय कर लिए, और सबसे पहले जाके अवधेशराय को वहां से सीपीआई ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, क्योंकि अवधेशराय भी पुराने नेता हैं, विधायक भी रहे हैं, सब कुछ है उनका प्रभाव, और वहां जो समीकरण बिठाया है उस हिसाब से, चूंकि अग्रो पिछड़ों की अगर तो गोलबंदी क्या की बात आपको होगी, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश सिंह जो है वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को, मैंने 2024 में एक तरह से कहिए दरकिनार करने में लगे हुए थे और उसमें वो सफल हो गए? हाँ देखिए बेशक, चूंकि देखिए कन्हैया कुमार की जो बिहार की राजनीति में उभार की बात है ना, तो उसे जो खतरा महसूस करने की बात हो रही है, तो लालू जी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भैया ये अगर उभरेगा बहुत तेजी से, तो जिस तरीके के वक्ता नहीं, है और चेहरा उभार है। की संभावना धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैंने एक ही बात, आप जैसे एक ही बात बार बार कहेंगे, जैसे यही बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में कभी कभी कही जाती है कि एक ही बात को दोहराते रहना, तो कन्हैया कुमार भी वही सब कुछ कर रहे हैं। वो पप्पू यादव की तरह जो जैसे उनका एक जो मिलने जुलने का जो उनका एक सुधार या सामाजिक कार्यक्रम है, ऐसा तो वो करते नहीं है कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार जब बिहार की राजनीति में, आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार पप्पू यादव के बारे में एक बार मीडिया ने उनसे पूछा कि भैया जो सीपीआई में रहते उस समय, पूछा कि भाई राजनीति का जो अपराधीकरण है, तमाम बातें हैं, इस पर आप खुल करके बोलते हैं, आप पप्पू यादव के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे, तो बोला ना ना पप्पू यादव तो बड़े अच्छे आदमी है। तो अच्छे आदमी कैसे है भैया, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, कुछ हुआ था, तो पप्पू यादव गए थे, सांत्वना दिए थे, सब कुछ मिले थे, तो दोनों अच्छे आदमी हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं,
दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो दोनों एक साथ निपट जाइए। पिछली बार जैसे लालू जी ने उनको निपटाया, वहां से अगर उम्मीदवार नहीं दिए होते लालू जी तो हो सकता है कि जो जीत हार का अंतर था और बहुत कम होता, और वो अगर अंतर बहुत कम होता और वहां अगर कन्हैया कुमार को यह लगता कि चलो इस बार हार गए हैं, अगला बार हो सकता है कि हमारे पक्ष में बातें हो सकती है, तो इधर उधर भी उछल कूद नहीं मचाते, तो नहीं मचाते तो आज अब इस बार जो अब स्थिति बनी तो अब एक तो बात आई है कि महाराजगंज से हो सकता है कि कहीं कुछ उम्मीदवारी मिल जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वहां भी कुछ बात नहीं, बनेगी आपके अपने क्योंकि संसदीय क्षेत्र में आप जीत नहीं पाए, दूसरे संसदीय क्षेत्र में बहुत, ये सब तो आज के दौर में बहुत कठिन है उस तरह से। हाँ वही है। तो कुल मिला के वही स्थिति हो गई है। पप्पू यादव हम निर्दलीय लड़के तो जीत जाएंगे ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे आपको थे लग रहा है कहीं। कि केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है और बिहार नेतृत्व, दोनों मिलकर के पप्पू यादव के खिलाफ और कन्हैया कुमार के खिलाफ जो है इस तरह से उन्होंने काम किया, ताकि कम से कम 5 साल ये लोग फिर जो है वो रेस्ट में रहें और उसके बाद 2029 में इनके लिए कुछ सोचा विचारा जाए? देखिए कुल मिला के जो हम अगर राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में देखते हैं तरीके से ना, तो कांग्रेस का जो पूरा ध्यान जो है ना वो दक्षिण पर अपना ध्यान केंद्रित है, वहां तरीके से लड़ना है भिड़ना है, ठीक है ना। जो इधर हिंदी पट्टी है वहां सहयोगी दलों के हवाले है, मिलजुल करके कुछ सीट पा लेना है, जो निकल जाना है निकल जाना है, इसलिए अपना कुछ नहीं करना है, लड़ना भिड़ना नहीं है। जो तमाम बातें हुई है उसमें जो कुछ बातें होती है निपटने निपटाने की, तो स्वाभाविक है जो आपसी अपना जो व्यक्तिगत जो होता है लाभ हानि का खेल, उसमें भले अखिलेश सिंह ने जो भूमिका निभाई हो या और भी जो नेता है उसमें लालू जी ने जो भूमिका निभाई हो, क्योंकि लालू जी को तो पूरा देश देखना नहीं है, उनको अपना बिहार है तो बिहार को ही समेटना है और बिहार में ही अपना बेहतरी देखना है, भविष्य देखना है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। और हमको जो व्यक्तिगत रूप से देखिएगा तो हम जो थोड़ा कुछ देखे हैं, जिस तरीके से लालू जी ने उम्मीदवारी की घोषणा की, जो उम्मीदवार जहां जहां और जिस तरीके से उतारे हैं वहां, हमको नहीं लगता है कि उनका जो भी जोड़ घटा हो और क्या सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुल मिला के उनकी भी जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव की ही तैयारी है, और उसी हिसाब से उन्होंने अधिकाधिक सीट लेकर के ठीक है ना अपने लोगों को मैदान में उतारा है, ताकि अभी से जो है नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं माने शुरुआत माने चल जाए सिनेमा का क्या ट्रेलर उलर बोल लीजिए, उस हिसाब से ट्रेलर वगैरह बने फिर आगे फिल्म बने आगे बातें बढ़े। तो कुल मिला के स्थिति हमको यही लग रही है, और इसी में जो कांग्रेस की आप दुर्गति मानी या जो मानी, कांग्रेस को तो बैकफुट पर आना ही पड़ा है और कांग्रेस का समर्पण तो इसे माना ही जाए। जी बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी जी